हाय गर्ल्स, बबरू महिला पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी लेक्चरर ममता सामोता। आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना जो एग्जाम का बचा हुआ था, फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट के अंदर कंप्लीट किया, अब जो तो थर्ड पार्ट था वो आज अपन शुरू करते हैं। अपनी बुक है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो उस बुक का अपना एग्जाम का टॉपिक था, एंजाइम को मैं डिटेल में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अपनी जूलॉजी में भी है, बॉडी में भी है, केमिस्ट्री में भी है, हर के अंदर काम में आता है। तो इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल से समझा रही हूँ। पहले मैंने उसको क्या क्या बताया आपको, क्या एंजाइम होता है, क्या रिएक्शन करता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, वो सारा काम कराया अपने। उसके बाद हमने क्या क्या उसका नोमेनक्लेचर देखा, देन उसके बाद में हमने उसके स्पेशल कैरेक्टर्स देखे। आज हम क्या देखेंगे, एंजाइम की जो सक्रियता है या उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, वो देखेंगे। साथ में उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, मैकेनिज्म के लिए उसमें दो सिद्धांत दिए गए थे कि एंजाइम इस तरीके से कार्य करता है, वो दोनों सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन। पहले सबसे पहले क्या होता है एंजाइम, जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर पहला टॉपिक है अपना एंजाइम सक्रियता, मतलब एंजाइम कार्य कैसे करता है, एक्टिवेट कैसे होता है। ठीक है, तो एंजाइम सक्रियता के लिए सबसे पहले क्या काम में लिया जाता है, वर्ड सक्रियण ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम सक्रिय, एंजाइम मतलब कोई भी विकारक है उत्पाद में बदलेगा तो क्या है समय लेगा, लेकिन जब एंजाइम हम उसके साथ मिलाते हैं तो वो समय नहीं लेता, अपना काम है वो फटाफट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है, मतलब न्यूनतम ऊर्जा का वह मान, कम से कम एनर्जी का वो मान जो क्रियाधार अणुओं को, जो अभिकारक है या फिर बोल सकते हैं क्रियाधार है, उनको अभिक्रिया में भाग लेने के लिए एक्टिवेट करेगा। भाई तुम स्टार्ट हो जाओ और अपना काम शुरू करो, उसे क्या बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, मतलब काम करने के लिए एक्टिवेट करेगा किसी भी अभिकारक या क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, उसे क्या बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब दूसरी बात, जो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा अभिक्रिया की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब अगर सक्रिय ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, मतलब सक्रिय ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया उतनी ही दर उतनी ही कम होगी, मतलब अगर सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो बहुत कम संख्या में अभिकारक उत्पाद में बदल पाएंगे। जैसे ये चार्ट है अपना, ये डायग्राम है, इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित होगा तो सक्रिय ऊर्जा उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए आपको ये शेप दिखाई दे रहा है, ये क्या है सक्रिय ऊर्जा, जब उसमें एंजाइम की अनुपस्थिति हो तब तो क्या होगी सक्रिय ऊर्जा का मान ये होगा, और जब हम इस रिएक्शन के अंदर क्या मिला देंगे एंजाइम मिला देंगे, एंजाइम प्रेजेंस हो तो अभिकारक उत्पाद में बदलने में कम सक्रिय ऊर्जा कम समय लगाएगा, यानी उसकी दर बढ़ा देगा, तो वो हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा अभिक्रिया की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात सक्रिय ऊर्जा का मान कम होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब सक्रिय ऊर्जा का मान कब होगा, कम होगा जब हम उसके अंदर क्या मिलाएंगे एंजाइम मिलाएंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम एंजाइम मिलाएंगे तो सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, यानी अभिकारक उत्पाद में बहुत अधिक संख्या में परिवर्तित होंगे। ये हो गई सक्रिय ऊर्जा, मतलब आप ही समझोगे कि सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं कि वो क्या करेगी क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, प्रेरित तो करेगी लेकिन क्या करेगी वो अभिकारक, उस सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा ज्यादा होगा जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर क्या होगी कम होगी। ठीक है, अपने को समझ में आया क्या होता है सक्रिय ऊर्जा, जितनी ज्यादा सक्रिय ऊर्जा होगी अभिकारक उतनी कम मात्रा में उत्पाद में परिवर्तित होंगे, तो उसके लिए हम उसमें क्या मिलाएंगे अभिक्रिया में एंजाइम मिलाएंगे, तो एंजाइम क्या करेंगे इस सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देंगे कम कर देंगे, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में क्या परिवर्तित होंगे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे। समझ में आया, अब हम इसे क्या देखते हैं एंजाइम कार्य कैसे करता है, हम इसको एक्टिवेट तो कर देंगे लेकिन वो अभिक्रिया में जाने के बाद काम कैसे करता है वो समझने के लिए हम इसे क्या देखेंगे मैकेनिज्म देखेंगे, क्या देखेंगे मैकेनिज्म क्रियाविधि देखेंगे। ठीक है, अब जो क्रियाविधि थी उसके संबंध में दो सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण थे, दो सिद्धांत दिए साइंटिस्ट ने जो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पढ़ते हैं भाई किस आधार पर एंजाइम क्या करेगा रिएक्ट करेगा किसके साथ क्रियाकारक के साथ। तो पहला एंजाइम पहला लो है सिद्धांत जिसका नाम है ताला व चाबी सिद्धांत या लॉक एंड की थ्योरी, ताला व चाबी नाम समझ में आ रहा है। मैं आपको शुरू से कहती हूँ कि जितनी चीजें नाम से समझ में आए उसको फटाफट उतनी जल्दी समझो, क्योंकि अगर गहराई में जाने से अच्छा है कि अपन को सरफेस पे ही समझ में आ जाए
ठीक है, गहराई में जाएंगे तो उबरने में टाइम लगेगा, सरफेस रहेंगे तो फटाफट हम रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताला व चाबी, ताले के अंदर चाबी फिट होती है, वैसे ही इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है, जो ताला क्या होता है एंजाइम होता है, चाबी क्या होती है अभिकारक होता है। तो एंजाइम के अंदर जैसे ताले के अंदर चाबी फिक्स होती है, हर ताले की एक चाबी होती है, उसी प्रकार है एंजाइम क्या करता है क्रियाधार के साथ जुड़ने के लिए उसमें क्या होते हैं सक्रिय स्थल होते हैं, जिससे ये आपस में जुड़ जाते हैं और अभिकारक इसमें परिवर्तित हो जाता है उत्पाद में और एंजाइम ऐसा कैसा बाहर निकल जाता है। अब हम शुरू से देखते हैं, एमिल फिशर एक साइंटिस्ट थे, कौन से, एमिल फिशर, जिन्होंने 1894 में क्या दिया, ये सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या था, ताला चाबी, लॉक एंड की थ्योरी। और जो फील्ड्स और वुड्स थे, दो साइंटिस्ट और आए, किसका क्या नाम था, फील्ड्स और वुड्स, उन्होंने क्या किया इस सिद्धांत को पूरा डिटेल से समझा और डिटेल से ही हमें समझाया। ठीक है, कैसे, जो फील्ड्स और वुड्स थे दो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया इस सिद्धांत को डिटेल से समझा भी और हमें समझाया भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं सिद्धांत के अंदर क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम व क्रियाधार के बीच ताले व चाबी के समान संबंध होता है, अर्थात एंजाइम ताला होता है जिसमें अभिकारक चाबी के समान ताले से जुड़ जाता है। मतलब क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, ताला होता है। ठीक है, हम नाम समझते हैं एंजाइम क्या होता है, ताला होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा भाई ताला तो क्या होगा, एंजाइम होगा प्लस चाबी क्या होगी, क्रियाधार होगा, तो दोनों जुड़कर आपस में क्या बनाएंगे, एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे मैं आपको रिएक्शन से समझाती हूँ, ये क्या है एंजाइम है, ये क्या है क्रियाधार है। ठीक है, एंजाइम एंड क्रियाधार दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या बोल देंगे एंजाइम क्रियाधार जटिल एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो किसमें चेंज होगी, एंजाइम क्रियाधार, सॉरी एंजाइम अब क्रियाधार किसमें चेंज हो गया, उत्पाद में, प्रोडक्ट में। ठीक है, सब्सट्रेट किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब क्या बनेगा, एंजाइम उत्पाद कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तब उसके बाद क्या होगा, एंजाइम बाहर निकल जाएगा, उत्पाद बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या होगा अभिकारक, सॉरी एंजाइम तो ऐसा रहा, हमें अभिकारक से क्या मिलेगा, उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में क्या होता है, एक सक्रिय स्थल होता है, ये एक्टिवेशन पॉइंट होता है जिसके आप जिस पर या ताला और चाबी का जो ताले पे छेद होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन सेंटर, जहां आकर क्या जुड़ जाता है, क्रियाकारक जुड़ जाता है या क्रियाधार जुड़ जाता है। तो अपने को पहला सिद्धांत समझ में आया, ताला और चाबी सिद्धांत, इसको नाम इसीलिए इसको ताला चाबी बोलते हैं कि जिस तरह एक ताले की चाबी होती है उसी तरह का एक एंजाइम का क्रियाधार होता है जो आपस में जुड़कर क्या बनाता है, अभिकारक किसमें बदल जाता है, क्रियाधार किसमें बदल जाता है, उत्पाद में। देन नेक्स्ट सिद्धांत है अपना अनुप्रेरण सिद्धांत। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे अलग है, ये पहले से फिक्स स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर बदलती है। ठीक है, इंड्यूस्ड यानी प्रेरित होता है, नाम से समझ में आ रहा है अनुप्रेरण, अनुप्रेरण मतलब जैसे ही एंजाइम या क्रियाधार आपस में आएंगे उनके अंदर सक्रिय स्थल बनते हैं। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे की शेप में होते हैं और फिट हो जाते हैं। यह सिद्धांत कोशले ने 1959 में दिया, ये कब दिया था, 1994 में, उसके कुछ साल बाद किसने दिया, कोशले ने 1959 में सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम के सक्रिय स्थल पर दो समूह उपस्थित होते हैं, जो एंजाइम हो गया, जैसे मान लो ये एंजाइम हो गया, इसके सक्रिय स्थल पर दो समूह होते हैं, पहला तो अवलंबन समूह, दूसरा उत्प्रेरक समूह। पहला कौन सा, अवलंबन समूह, दूसरा कौन सा, उत्प्रेरक समूह। अवलंबन समूह तो क्या करेगा, इस अभिकारक को इससे जोड़ेगा। ठीक है, जो एंजाइम पर दो समूह उपस्थित होते हैं, पहला अवलंबन समूह, दूसरा उत्प्रेरक समूह। अवलंबन समूह तो इस अभिकारक को इसके साथ जोड़ेगा, भाई मेरे साथ जुड़ जा तू। ठीक है, जो उत्प्रेरक समूह है वो क्या करेगा, अब इन दोनों को जुड़ने के बाद अभिकारक को क्या करेगा, उत्पाद में परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आया, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया, मतलब मैंने पूरी कथा नहीं मानी, मैंने आपको केवल मेन मेन हिंट समझा के, मेन मेन टॉपिक समझा के आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करना चाहती हूँ। अनुप्रेरण मतलब प्रेरित होगा, इसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होगी, पहले से प्रेरित होगा भाई। अवलंबन समूह, जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, इस पर दो समूह होते हैं, वो कहीं पर भी मान सकते हैं अपन, क्योंकि फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। पहला को क्या बोलेंगे, अवलंबन समूह, पहले को नाम क्या देंगे हम, अवलंबन समूह। दूसरे समूह को क्या नाम देंगे, उत्प्रेरक समूह। ठीक है, जो अवलंबन समूह है वो तो क्या करेगा, सबसे पहले जो ये क्रियाधार है उसको
इसको क्या करेगा, एंजाइम से जोड़ेगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ गए, दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, एंजाइम अभिकारक जटिल या एंजाइम अभिकारक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन जो कौन सा दूसरा समूह जिसका नाम क्या था, उत्प्रेरक समूह। ये उत्प्रेरक क्या समूह क्या करेगा, अब इन दोनों को जुड़ने के बाद ये क्या करेगा भाई, तू अभिकारक अब उत्पाद में बदल जा, दिखाएगा अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने का कार्य करता है कौन, उत्प्रेरक समूह। तो इसलिए हम इस सिद्धांत को क्या बोलेंगे, अनुप्रेरण सिद्धांत। ठीक है, ये दो थ्योरीज थी एंजाइम की एक्टिव क्रियाविधि को समझाने के लिए। सबसे पहले हमने देखा सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, देन उसके बाद देखा कि इस सक्रिय ऊर्जा को किन किन सिद्धांतों के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अपने को समझ में आया, एंजाइम का पूरा क्लियरिफिकेशन हुआ कि एंजाइम क्या होता है, किस तरीके के उसके कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन होता है, देन वो मैकेनिज्म कैसे करता है, उसके अंदर जो सक्रिय ऊर्जा होती है वो क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा क्या करती है, क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए एक्टिवेट करती है, और इसका मान ज्यादा होता है, मतलब जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होगी, तो एंजाइम लाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, हमने शुरू शुरू में कहा था कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने पर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और अभिक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होने, यानी खुद उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होकर लास्ट में उस अभिक्रिया से बाहर निकल जाते हैं। देन आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को क्वेरी में पूछ सकते हैं। थैंक यू।